In this video, I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film Kurukshetra. दोस्तों मूवी कुरुक्षेत्र जो रिलीज हुई थी 10 नवंबर 2000 को, ये एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और राइटर हैं महेश मंजरेकर, इसके प्रोड्यूसर हैं प्रवीण शाह। अब आते हैं फिल्म की कास्ट की बात करते हैं। इसमें संजय दत्त, महिमा चौधरी, ओम पुरी और मुकेश ऋषि, ये चारों इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, लेकिन इनके अलावा भी फिल्म के अंदर काफी सारे कास्ट सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। अब आते हैं बेसिक स्टोरी की बात करते हैं। फिल्म में संजय दत्त जो कि पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले करते हैं और वो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहादुर पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं। ऐसे में क्या होता है, शहर के जितने भी सारे जो करप्ट पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो भी सारे क्रिमिनल होते हैं, गुंडे होते हैं या फिर वो लोग जो इलीगल काम करते हैं, वो सारे संजय दत्त से बहुत ज्यादा डरते हैं। अब संजय दत्त जिस दिन अपनी पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, उस दिन वो शहर के सबसे बड़े बिजनेस मैन जो होते हैं मुकेश ऋषि, उनके सारे इलीगल जो काम होते हैं, जो इलीगल बिजनेस होते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करते ही उनका सारा पर्दाफाश कर देते हैं। अब ऐसे में जो मुकेश ऋषि है वो संजय दत्त से नफरत करने की बजाय वो उल्टा संजय दत्त की प्रशंसा करते हैं, बल्कि उनके फैन बन जाते हैं। वही दिखाते हैं दूसरी तरफ शहर का जो सीएम होता है, उनका बेटा एक लड़की का रेप कर देता है, जिसके बाद शहर का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। यानी कि शहर का जो माहौल है वो एकदम से कुरुक्षेत्र की तरह हो जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो सीएम है वो अपने बेटे को बचाने के लिए पैसा और पावर दोनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वही सीएम को दूसरी तरफ सामना करना पड़ता है संजय दत्त का, जो अपने काम को लेकर बहुत ही ईमानदार और बहादुर होते हैं। अब ऐसे में संजय दत्त क्या करते हैं, ये तो आप लोगों को फिल्म देखकर पता चलेगा। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की, तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 11 करोड़ 15 लाख रुपए का, 11 करोड़ 15 लाख रुपीज का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 18 करोड़ 84 लाख रुपए का, 18 करोड़ 84 लाख का। इंडिया से बाहर ओवरसीज मार्केट में 1 करोड़ 3 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 1 करोड़ 3 लाख रुपीज की। और सब कुछ इंक्लूड करके फिल्म का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड जो टोटल ग्रॉस कलेक्शन था वो था 19 करोड़ 87 लाख रुपीज का। रही बात बजट, तो इसका जो बजट था वो था 8 करोड़ 75 लाख का। अब 8 करोड़ 75 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 11 करोड़ 15 लाख। अब इस हिसाब से अगर हम वर्ड इट की बात करें, यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म कुरुक्षेत्र बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। फिल्म की ऑफिशियल वर्ड इट है वर्ल्ड वाइड एवरेज की। गानों की बात करें तो फिल्म की गानों की एल्बम में टोटल 7 गाने थे। गानों को कंपोज किया था HR यानी कि हिमेश रेशमिया ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।